हफ्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यवार्ता टीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। अंजूर फाटा स्थित नगर सेवक नीलेश चौधरी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भिवंडी मनपा महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, आमदार महेश चौगले, साईनाथ भाव पवार के हाथों रिबिन काट कर किया गया। बता दें, इस अवसर पर श्याम जी अग्रवाल, माजी आमदार रुपेश जी महात्रे, सुरेश बाल्या मामा महात्रे, गट नेता हनुमान चौधरी, श्याम बिहारी मिश्रा, दिनेश पाटिल, दीपाली पाटिल, सुभाष माने, विश्वास थले, महेश पाटिल, राजेंद्र भोईल, पिंटू कुमावत, गुरुलिंग आउटे, गणपत चौधरी, ममता परमानी, सत्यशीला जाधव आदि इनके वार्ड के महिला पुरुष भारी संख्या में उपस्थित थे। बता दें, नीलेश चौधरी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन बड़े धूमधाम से गाजे बाजे व पटाखे की आतिशबाजी के साथ किया गया और कार्यालय के उद्घाटन में नीलेश चौधरी को पुष्प गुच्छ देकर उनके वार्ड के महिला पुरुषों ने स्वागत सत्कार किया और आए हुए मान्यों का नीलेश चौधरी एवं अस्मिता ताई चौधरी, दक्षता ताई चौधरी के हाथों स्वागत सत्कार किया गया। सभी मान्यों ने नीलेश चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कार्यालय से सभी लोगों की समस्याएं दूर होंगी।
जो हमारा ये जनसंपर्क कार्यालय है नीलेश हरिजन चौधरी और अस्मिता राजेश चौधरी, जो हमारा यहाँ से 15 साल से ऑफिस था, जो हमने यही ऑफिस को रिन्यूट करके नया बनाया है और आज हमारी जोनी की प्रथम नागरिक प्रतिभा विलास पाटिल और मेरे परम मित्र महेश जी चौगले जो आमदार है और साईनाथ जी पवार, इनके हाथों आज यहाँ पे हमारे ऑफिस का आए और शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं तीनों का आभारी हूँ और मैं खास करके ये बताना चाहता हूँ कि 2006 में जब विलास पाटिल महापौर थे तभी उन्होंने ये इसका ओपनिंग किया था और वही आज 2020 आया है और हमारी बहन प्रतिभा साई विलास पाटिल और मेरे परम मित्र महेश चौगले और साईनाथ पवार, इनके शुभ अवसर से हुआ है। मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका हमको उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने आके हमारे ये वार्ड की, हमारे भिवनी शहर की शान बढ़ाई, इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज यहाँ पे सभी आए हुए मेहमानों को और हमारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमें यहाँ पे नीलेश भाई ने उद्घाटन के लिए बुलाया और हमारे हाथों से जो ओपनिंग किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे परिवार तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा है। और नीलेश भाई हमेशा हमको ऐसे ही साथ देते रहे और ऐसा ही हम लोग का साथ में विकास होता रहे। मेरी शुभेच्छा। वही समस्या भिवंडी शहर की है, वही हल करने के लिए धूमधाम से ऑफिस का ओपनिंग किया है और धूमधाम से इसके लिए क्या काम भी करना है तो एकदम धूमधाम से करना है और नीलेश चौधरी ये काम बहुत धूमधाम से करते हैं। इसके लिए आज जो पुराना ऑफिस था तो ये अभी हाईटेक बनाया गया, पब्लिक को भी बैठने के लिए जगह बनाई, कंप्यूटर वम्प्यूटर लगा के इधर ही जेरोक्स इधर ही बैंक, ऐसा एक ऑफिस आधुनिक तरीके से बनाया है क्या लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और उनका काम आसानी से हो, इसके लिए इतना अच्छा ऑफिस बनाया। मेरे तरफ से नीलेश हरिचंद्र चौधरी और अस्मिता राजेश चौधरी इन दोनों को यह ऑफिस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। आज महापालिके के सन्माननीय नगर सेवक नीलेश हरिचंद्र चौधरी यांचा सूर्या कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि निश्चितच एक चांगल्या प्रकारचं अद्यावत असं कार्यालय जे आहे हे जनतेसाठी ऑलरेडी इथं होतं, परंतु जी अद्यावत सुविधा जी आहे ती आता चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। या उद्घाटन प्रसंगी सन्माननीय महापौर, सन्माननीय आमचे मित्र आमदार महेश चौगुले साहेब, साईनाथ भाऊ आणि नगरसेविका अस्मिता चौधरी ताई, ते सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे। निश्चितच या कार्यालयामधून एक चांगलं काम यापूर्वी देखील होत होतं, अजून पुढे चांगल्या पद्धतीने होईल, ज्या धुमधडाक्यात या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे तशाच पद्धतीचं काम ह्या कार्यालयातून जनतेसाठी केलं जाईल आणि नीलेश चौधरी साहेब आणि अस्मिता चौधरी ताई यांना माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा देतो। पुढील वाटचालीमध्ये चांगलं कार्य करून या विभागाचा जो विकास आहे तो त्यांनी ऑलरेडी केलेला आहे, आणखी चांगल्या प्रकारचं करतील असं मी त्यांना सही मेरे से ज्यादा उनके कोई नहीं जानता है। जो उनका काम करने का तरीका है, 2006 में हमारे बड़े भाई विलास पाटिल साहब उन्होंने इधर का उद्घाटन किया था, आज हमारी भाभी के हाथ से यहाँ पे उद्घाटन प्रथम महापौर हो रहा है। हमारे महेश जी चौगुले यहाँ पे, हमारे भाई रुपेश मात्रे है और हमारी जो कामतगर और ताराली जो पंचकृषि है उसके अंदर इनको धर्म राजा कहा जाता है। धर्म राजा लोग कहते हैं, ये खुद नहीं कहते, ऐसा काम इनका है। मैं यही शुभ समय पे यही प्रार्थना करूंगा आप माँ भवानी से कि इनको सुयश मिले और काम का जोर इतना इनका हो कि यहाँ से पूरा दिल्ली तक उनके काम का आवाज जाए, मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जे राजकारणात महानगरपालिकेत सक्रिय आहेत, अनेक चांगले मोठे पदं भूषवलेले आहेत आणि हे सगळे भूषवताना साहजिकच जनसंपर्क चांगला आहे आणि म्हणूनच हे सर्व काही घडू शकतो। आणि मी एवढंच बोलेन आजच्या दिवशी ह्या कार्यालयातून भिवंडी महानगरपालिकेचे नवे ते या जिल्ह्याचे सूत्र हलावे आणि खरोखरच सर्वसामान्य लोकांना अपेक्षित असेल काम, विकासाचं काम असेल किंवा सामाजिक काम असेल हे त्यांच्या घडावं आणि हे घडण्यासाठी दिलेल्या मदतीला उदंड आयुष्य देवो प्रार्थना करतो। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही।
आप जुड़े रहिए सत्यवार्ता टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।